हेलो गाइस, विक्सकॉन है। आज की वीडियो में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। मुझे नहीं पता आज तक मैंने जैक द रिपर के बारे में वीडियो क्यों नहीं बनाई, क्योंकि ये बहुत ही फेमस मिस्ट्री है, आज तक सॉल्व नहीं हो पाई है। बहुत से सस्पेक्ट्स ऐसे आए जिनको लोगों ने सोचा कि वही जैक द रिपर रहे होंगे, बट आज तक कभी ये प्रूव ही नहीं हो पाया कि हाँ ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल ही जैक द रिपर था। तो इस पूरे केस को एक बहुत ही डिटेल मैनर में हम जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में, एज वेल एज मैं आपको सभी सस्पेक्ट्स के बारे में बताऊंगा और आप मुझे डिसाइड करके बताना कि आपको क्या लगता है कि जैक द रिपर आखिर कौन रहा होगा। तो इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वीडियो, चलिए शुरू करते हैं। जैक द रिपर एक बहुत ही इनफेमस सीरियल किलर था जो कि व्हाइट चैपल डिस्ट्रिक्ट लंदन में 1888 के आसपास काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहा। एक्टिव रहने से मेरा मतलब है कि इस टाइम पीरियड के दौरान उसने वहां पर काफ़ी ज़्यादा मर्डर्स कमिट किए। अब इन मर्डर्स का काउंट टोटल कितना है ये कोई नहीं जानता, और आखिर विक्टिम्स जैक द रिपर के कितने थे ये कहना भी काफ़ी मुश्किल है। बट 5 विक्टिम्स, जिन्हें कैनोनिकल 5 के नाम से भी जाना जाता है, वो श्योरली जैक द रिपर नहीं मारे थे। मैरियन निकोलस, एनी चैपमैन, एलिजाबेथ स्ट्राइड, कैथरीन एडोविस और मैरी जेन केली, ये सब प्रोस्टिट्यूट्स थी और इन्हें जैक द रिपर ने काफ़ी बुरे तरीके से मारा था। देखिए, जैक द रिपर की अगर हम बात करें तो हमें यहाँ से एक पॉइंट पता चलता है कि उसने हमेशा प्रोस्टिट्यूट्स को ही अपना टारगेट बनाया। जनरली अगर मैं बात करूँ तो वाइट चैपल जो एरिया था उस टाइम पर, वहाँ प्रोस्टिट्यूशन काफ़ी चलता था, वहाँ ब्रॉथल्स काफ़ी होते थे। देखिए, इसे समझने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि 1888 के आसपास वहाँ पर इमिग्रेंट्स काफ़ी ज़्यादा आए थे, भले ही वो ज्यूइश हो गए, आयरिश हो गए, तो उसकी वजह से वहाँ पर एक तरीके का ओवर पॉपुलेशन का बर्स्ट हो गया और उसी के चलते इकोनॉमिक कंडीशंस काफ़ी घट गई थी और लोगों को प्रोस्टिट्यूशन एज एन ऑक्यूपेशन लेनी पड़ी मजबूरी में आके, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन उस टाइम पर चलती थी। अब जैक द रिपर की मोटिवेशन क्या रही होगी प्रोस्टिट्यूट्स को टारगेट बनाने की, काफ़ी मुश्किल है ऐसा कहना, बट उसके मर्डर करने का तरीका डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा वायलेंट था। तो चलिए अब हम ये भी डिस्कस करते हैं कि आखिर जैक द रिपर नेम आया कैसे। तो जॉर्ज लस्क, जो कि व्हाइट चैपल विजिलेंस कमेटी के चेयरमैन थे, उन्हें एक लेटर मिला, उसका नाम दिया गया है अब फ्रॉम हेल लेटर, और उसे इसीलिए ऐसे कहते हैं क्योंकि उसमें जैक द रिपर लिखा हुआ था, मतलब कि उस लेटर को जैक द रिपर ने लिखा हुआ था। अब काफ़ी लोग मानते हैं कि शायद होक्स भी हो सकता है, शायद मीडिया पर्सन्स, मीडिया वालों ने ही उस लेटर को लिखा हो, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ही फेमस ही केस था, आज भी है, बट उस टाइम पे आप सोच सकते हैं कि मर्डर्स चल रहे थे और फिर अचानक से एक लेटर आया, और बहुत ही अजीब बात ये भी थी कि उस लेटर के साथ एक प्रिजर्व्ड ह्यूमन किडनी भी भेजी गई थी। तो ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 3 विक्टिम्स के ऑर्गन्स भी मिसिंग थे और फिर लेटर के साथ किडनी भेजी जा रही है, तो ये अपने आप में ही बहुत ही वियर्ड सी बात थी और ये इस क्लेम को और भी स्ट्रॉन्ग कर देता है कि शायद वो लेटर जैक द रिपर ने ही लिखा हो। फ्राइडे 31 अगस्त 1888, मैरी एन निकोलस को मरा हुआ पाया गया। सैटरडे 8 सितंबर 1888 को एनी चैपमैन को मरा हुआ पाया गया। 30 सितंबर 1888 संडे के दिन एलिजाबेथ स्ट्राइड और कैथरीन एडोविस दोनों को मरा हुआ पाया गया। और फाइनली 9 नवंबर 1888 फ्राइडे के दिन मैरी जे केली को मरा हुआ पाया गया। इन सभी की जो बॉडी कंडीशंस थी वो बहुत ही ज़्यादा बुरी थी, जिसे साफ पता लग रहा था कि जो इनका मर्डरर था उन्होंने बहुत ही बुरे तरीके से इनकी बॉडी को म्यूटिलेट किया था। अगर आपको डिटेल्स के बारे में जानना है तो आप विकिपीडिया पे जाकर आर्टिकल पढ़ सकते हैं, डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, तो यू हैव बीन वॉर्न्ड। अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो एट योर ओन रिस्क, क्योंकि हो सकता है कि कई लोगों को ये कंटेंट डिस्टर्बिंग लगे। इनफैक्ट विकिपीडिया में आपको मैरी जो है विक्टिम फाइनल, जो जैक द रिपर की मानी जाती है, उसकी इमेज भी प्रोवाइड की गई है और बहुत ही ज़्यादा वो डिस्टर्बिंग इमेज है, तो वंस अगेन विजिट एट योर ओन रिस्क। जैक द रिपर ने जितने भी मर्डर्स कमिट किए वो रात के समय में ही किए। रात के समय से मेरा मतलब है कि लेट नाइट से लेके अर्ली मॉर्निंग के समय में। कैनोनिकल 5 की भी अगर हम बात करें, जो विक्टिम्स थी जैक द रिपर की, उन्हें इसी टाइम पीरियड के दौरान मारा गया। एक बात जो पक्की है वो ये है कि जैक द रिपर को व्हाइट चैपल डिस्ट्रिक्ट की बहुत ही अच्छे से नॉलेज थी, हर गली हर स्ट्रीट की उसे
काफ़ी अच्छे से जानकारी रही होगी, क्योंकि देखिए मर्डर कमिट करने के बाद एज वेल एज मर्डर के स्पॉट में पहुंचने के लिए वो ज़रूर सीक्रेट शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करता रहा होगा। क्योंकि जब पुलिस लोकल लोगों से इन्वेस्टिगेट करती थी, देखिए मेडिकल टीम्स बॉडीज़ मिल जाने पर उन पर इन्वेस्टिगेशन करती है और एनालाइज करने के बाद बॉडीज़ को वो बता देती है पुलिस को किस टाइम पीरियड के आसपास मर्डर को कमिट किया गया होगा। उस टाइम को लेके पुलिस फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है। जहाँ पर मर्डर हुआ है वहाँ पर आसपास के लोगों से ये पूछा जाता है कि क्या आपने इस टाइम पीरियड के दौरान किसी शख्स को देखा जो कि शायद मर्डर के स्पॉट में आया हो या फिर वहाँ से गया हो। फिर लोग उस बेसिस पर पुलिस को अपने जवाब देते हैं, बट ऐसा जैक द रिपर के केस में नहीं हो पा रहा था। लोग मोस्टली यही बोल रहे थे कि नहीं, इस टाइम पीरियड के आसपास ना ही उन्होंने कुछ सुना, ना ही कुछ स्ट्रेंज एक्टिविटी को देखा या फिर किसी व्यक्ति को देखा। तो इससे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और भी ज़्यादा डिफिकल्ट होते जा रही थी। और इसी बेसिस पर हम ये कह रहे हैं कि जैक द रिपर ज़रूर सीक्रेट शॉर्टकट्स का ही इस्तेमाल करता होगा, क्योंकि जो नॉर्मल रूट थे लोग जो यूज़ करते थे वहाँ पर उस समय लोगों ने किसी भी व्यक्ति को नहीं देखा, क्राइम के पहले और बाद में। तो शायद जैक द रिपर व्हाइट चैपल डिस्ट्रिक्ट में ही रहने वाला हो, क्योंकि उसे वहाँ की काफ़ी अच्छी नॉलेज थी, या फिर अगर वो वहाँ पर नहीं रहता था तो डेफिनेटली वो वहाँ पर उस एरिया को काफ़ी ज़्यादा विजिट करता होगा, बार बार वहाँ आते रहता होगा और इसी के चलते उसको वहाँ की काफ़ी अच्छे से पहचान हो गई थी। तो चलिए अब हम बात करते हैं सस्पेक्ट्स की। 1888 से लेकर आज तक बहुत से लोगों को जैक द रिपर माना गया है, बट एक्सपर्ट्स किसी को भी एक सॉलिड सस्पेक्ट नहीं मानते हैं। और देखिए इतने सालों में बहुत सी थ्योरीज आगे आई है, बहुत से लोगों ने अपने खुद के एनालिसिस को शुरू करके कोशिश की है जानने की कि कौन जैक द रिपर रहा होगा। बट इस वीडियो में मैं आपको सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग सस्पेक्ट्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो लगता है कि हाँ शायद यही जैक द रिपर रहा होगा। वंस अगेन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये इंडिविजुअल व्यूज़ है, जैक द रिपर को आज तक नहीं पकड़ा गया है। और अब 100% मुझे पता है कि जैक द रिपर की आइडेंटिटी हमें कभी भी पता नहीं लग पाएगी, क्योंकि 1888 से लेके इस साल तक 2021 तक बहुत लंबा समय गुजर चुका है। जैक द रिपर जो भी रहा होगा अब वो इस दुनिया में भी नहीं होगा, बट ये कहानी और ये मिस्ट्री बहुत से सालों तक याद रखी जाएगी। देखिए वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हर एक सस्पेक्ट के बारे में, बट देखिए जैक द रिपर के सस्पेक्ट्स ऑलमोस्ट 100 से भी ऊपर है, बहुत ही ज़्यादा सस्पेक्ट्स है। हर एक व्यक्ति खुद ही कुछ एनालिसिस करता है और उसके बेसिस पे बोल देता है कि अच्छा ये सस्पेक्ट है, वो सस्पेक्ट है। और रीज़न यही है कि ह्यूमन इमेजिनेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और उसके बेसिस पे हम अलग अलग सस्पेक्ट्स बनाते रहते हैं। तो अब आपको ये बताना बहुत ही मुश्किल है कि कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग सस्पेक्ट था जैक द रिपर का, क्योंकि देखिए मैं काफ़ी नाम ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जॉन ड्रूइट को जैक द रिपर माना जाता है। रीज़न ये था कि उसने जब सुसाइड कमिट किया 1888 में, तो उसके बाद ऐसा कोई भी मर्डर वहाँ पर कमिट नहीं हुआ जिसे जैक द रिपर के साथ एसोसिएट किया जा सके, क्योंकि जिस वे में जैक द रिपर मर्डर्स करता था विक्टिम्स को, जैसे वो म्यूटिलेट करता था, ऐसा कोई भी क्राइम आगे नहीं आया उसकी डेथ के बाद। अब ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि वही जैक द रिपर हो, हमें नहीं पता। वैसे ही और भी एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कार्ल फिगेनबॉम की, तो वो एक जर्मन मर्चेंट सीमेन था और उसे अरेस्ट कर लिया गया था न्यूयॉर्क सिटी में, क्योंकि उसने एक महिला को वहाँ पर मारा था और वो काफ़ी सिमिलर वे में मारा गया था जैसे जैक द रिपर मारता था। और साथ ही साथ फिगेनबॉम को महिलाएं भी पसंद नहीं थी, बट वंस अगेन कोई एविडेंस नहीं है कि फिगेनबॉम 1888 के दौरान व्हाइट चैपल डिस्ट्रिक्ट में मौजूद था या फिर वहां पर आया हो, उस एरिया को विजिट किया हो। और इसी के चलते ये काफी मुश्किल हो जाता है आप सभी लोगों को बताना कि जैक द रिपर का आखिर सबसे ज्यादा स्ट्रांग प्राइम सस्पेक्ट कौन सा था। हाउएवर थ्योरीज के बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे अभी, जहां पर मैं अपने व्यूज आप सभी के साथ शेयर करूंगा कि मुझे क्या लगता है कि क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें शायद ओवरलुक कर लिया गया हो उस टाइम पीरियड के दौरान। देखिए मैं फिर से आप सभी को बोलना चाहता हूं कि सस्पेक्ट्स बहुत ही ज्यादा है, मैंने उन सभी के बारे में पढ़ा, उन पर रिसर्च की। स्टार्टिंग में मुझे लगा कि हो सकता है वही जैक द रिपर हो, बट हर एक सस्पेक्ट का एंड में कोई ना कोई स्ट्रांग पॉइंट ऐसा दिया हुआ है जिसके बेसिस पे पुलिस को उसे छोड़ना पड़ा और उसे हटाना पड़ा लिस्ट से, क्योंकि कुछ सस्पेक्ट जिनकी क्राइम हिस्ट्री थी, क्राइम बैकग्राउंड था, वो मौजूद ही नहीं थे व्हाइट चैपल में उस टाइम पीरियड के दौरान। कई सस्पेक्ट जिनकी कोई भी क्राइम हिस्ट्री नहीं थी, जो थोड़ी सी मेंटल इंस्टेबिलिटी से गुजर रहे थे, वो भी कुछ ना कुछ स्ट्रांग अलिबाई ले आए थे। अलिबाई से मेरा मतलब है कि कोई ऐसा स्ट्रांग पॉइंट जो कि उन्हें इनोसेंट प्रूव कर रहा था। इनफैक्ट मैं झूठ नहीं बोलूंगा, स्टार्टिंग में मुझे ये भी लगा कि जेम्स मेबरिक ही जैक द रिपर था,
जब मैंने ये पढ़ा कि उसके एक रेजिडेंस से एक डायरी मिली थी जिसमें उसने लिखा था कि हाँ मैं ही जैक द रिपर हूँ, मैंने ही ये क्राइम्स कमिट किए हैं वगैरह वगैरह, और लेटर ऑन ये पता चला कि ये सब एक होक्स था, ये लेटर ऑन जाके टेम्परिंग कर दी गई थी डायरी वगैरह के साथ, न्यू चीज़ें ऐड की गई थी मन से मनगढ़ंत चीज़ें, और इसीलिए वो भी जैक द रिपर नहीं था। इनफैक्ट फ्रांसिस टम्बल्टी जो कि एक डॉक्टर था, हाँ उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड भी जरूर था और वो शायद इंग्लैंड में भी मौजूद था 1888 के दौरान, और तो और उसको जैक द रिपर इसलिए माना जाता है क्योंकि देखिए वो भी मिसोजिनिस्टिक कंसिडर किया जाता था, मतलब कि उसे भी फीमेल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, तो वो भी एक प्राइम सस्पेक्ट हो सकता है। बट फिर भी इवन दो उस पर काफ़ी केसेस चल रहे थे एज वेल एज उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड भी था, कोई सॉलिड एविडेंस उसके खिलाफ जो कि उसे लिंक करे वाइट चैपल मर्डर से नहीं मिल पाया था पुलिस को। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी थ्योरीज की जो मैंने खुद बनाई हैं जैक द रिपर से रिलेटेड। सबसे पहली है कि हो सकता है जैक द रिपर शायद पुलिस फोर्स का ही पार्ट हो उस टाइम पे। देखिए पुलिस ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, पुलिस ऑफिसर्स के हाथ में कुछ भी नहीं लग रहा था, कोई भी एविडेंस नहीं लग रहा था उस टाइम पीरियड में उनके हाथ, और काफ़ी सारी पूछताछ के बाद भी लोकल पीपल से कुछ भी पता नहीं लग रहा था पुलिस वालों को। तो शायद ऐसा हो सकता है कि जैक द रिपर पुलिस में ही कोई हो। देखिए पुलिस में होने के चलते जैक द रिपर को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल जाएगी। सबसे पहले तो उसको एक्सेस मिल जाएगी मर्डर के स्पॉट में जाने की, कोई भी एविडेंस अगर वहाँ पर होगा तो उसे मिटा सकता है बहुत ही ईजिली, तो इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज पे यहाँ पर पहुँच जाता है। साथ ही साथ क्योंकि वो पुलिस में था तो शायद नॉर्मल लोगों का शक भी नहीं गया होगा उस पर, एज वेल एज बाकी पुलिस वालों का भी शक नहीं गया होगा, क्योंकि पुलिस तो प्रोटेक्शन के लिए ही होती है, रूल्स लोग पालन करें उनका इसीलिए होती है। बट हमने देखा है रीसेंट टाइम्स में भी कि पुलिस ऑफिशियल्स भी करप्ट हो सकते हैं, पुलिस ऑफिशियल्स भी क्राइम्स कमिट कर सकते हैं, तो शायद उस पीरियड में मे बी जैक द रिपर पुलिस फोर्स में ही हो, हु नोस। सेकंड ऑफ ऑल पावर ऑफ मनी। देखिए उस टाइम पर करप्शन काफ़ी ज़्यादा होती थी, इस पॉइंट पर मैंने अभी भी फोकस किया थोड़ी देर पहले, और उस टाइम पर इकोनॉमिक ट्रबल्स भी चल रही थी, मैंने आपको ये बताया वीडियो की स्टार्टिंग में, तो हो सकता है कि कोई बहुत ही अमीर इंडिविजुअल जैक द रिपर हो जो कि क्राइम्स में इन्वॉल्व हो और उसने पुलिस फोर्स को काफ़ी अच्छे ठीक ठाक पैसे दिए हो ताकि वो उसके केस को दबाए। देखिए यहाँ पर एक और सस्पेक्ट भी आता है, प्रिंस जो कि ब्रिटेन से रिलेशन रखते थे उनका नाम भी यहाँ पर आता है, जुड़ता है इस केस के साथ, तो मे बी उसकी पॉसिबिलिटी भी है। आप इमेज देख सकते हो उन प्रिंस की एज वेल एज उनका नाम भी देख सकते हैं, इन्हें भी माना जाता था कि ये शायद इस एरिया में विजिट करते थे और शायद इन्होंने एक लोकल प्रोस्टिट्यूट के साथ शादी भी कर ली थी और ये छुपाना चाहते थे उस बात को, इसीलिए इन्होंने ऐसे मर्डर्स कमिट किए। वंस अगेन ये एक थ्योरी है, ये कोई रियलिटी नहीं है, बट फिर भी इट्स इंटरेस्टिंग। और फाइनली एक स्ट्रेंज बात यह है कि मैंने एक आर्टिकल में भी पढ़ा कि जैक द रिपर को सब एक मेल ही मानते हैं, वाई नॉट अ फीमेल। देखिए ऐसा तो नहीं है कि जहाँ पर ये मर्डर्स कमिट किए गए हो वो सिर्फ एक मेल सोसाइटी थी, वहाँ पर सिर्फ मेल्स ही रहते थे, वहाँ पर लड़कियाँ भी रहती थी, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये सब मर्डर्स दरअसल किसी लड़की ने ही किए हो, और पुलिस ने मुझे नहीं लगता कि विमेन को कंसीडर भी किया इस केस में, उन्हें एक सस्पेक्ट के तौर पे देखा हो। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि मर्डरर एक फीमेल रही हो। तो फाइनली आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मैंने ये कोशिश की है कि मैं एक छोटी से छोटी वीडियो में आपको सभी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ इस केस से रिलेटेड, एज वेल एज अपनी थ्योरीज भी शेयर करूँ, और होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, टिल देन सी या।